बाबा हूँ सन्यासी हूँ गाली काहे देते हो? गाली नहीं, देखो अब कोई बाना एक आध बात तो निकल जाते हैं। फिर ये हुआ हम ही वहाँ संतो कितने ऐसे हो जो इसमें नहाए लड़कियों पर नहाते हैं कि महाराज हमारे यहाँ कुछ नहीं डंडा पड़ेगा चूतरों पे साले ऐसे कैसे करते हैं क्वारी कन्याओं पे भाई तुम्हारे तुम्हें लहर शर्म नहीं लगती उनसे छुआने में हाथ पे कपड़ा धुलाने में तुम्हें लहर शर्म नहीं आती करो तो वो बता देंगे पार्लियामेंट से पूरा फुल लेटर आएगा तुम्हारे पास। अच्छा तुम्हारे कुकर्म का लेटर पार्लियामेंट से भेजा जाएगा दिल्ली से भेजा जाएगा। दोस्तों मैं लगातार आप सबको संतों के दर्शन करा रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि महान संतों के दर्शन आप तक पहुँचाता रहूँ। मेरे साथ में है रामानंद महाराज जी, रामानंद महाराज जी से बात करूँगा, लेकिन खास बात यह है कि नौकरी की 40 साल सरकारी नौकरी करने के बाद मोह माया घर संसार सबसे विरक्त हुए और आज संन्यास आश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो महाराज जी से बात करूँगा कि आखिर सब कुछ होने के बावजूद संन्यास आश्रम में कैसे आए और कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। सुन रहो खुश रहो जी। महाराज जी ये सवाल जो मेरा है ये कि मैंने जाना जैसे कि आपके परिवार में सब कुछ है, बेटे हैं, नाती हैं, पोते हैं, सब कुछ भरा पूरा परिवार है, भरपूरा है और अफसर में भी हैं, कई अफसर हैं, डायरेक्टर हैं। तो ये सब संसारिक मोह माया छोड़कर जो है फिर आप संत बने क्या? ये संसार क्या नश्वर है क्या? संसार नश्वर नहीं है, पर संसार को तो लोग जानते ही नहीं संसार है क्या जी। अगर संसार न होता तो आप कहाँ से होते? आप कैसे कहते संसार नश्वर है? संसार नश्वर नहीं हो सकता, जब आप बोल रहे हैं तो संसार पहले से ही बोल रहा है। अगर आपने संसार को माना ही तो आप कहाँ आ रहे? आपको आप कैसे रह रहे हैं? आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हो? ऐसा कोई कुछ नहीं, संसार कभी नश्वर नहीं होता है। नाश तो हमारा शरीर का ही मात्र होता है, जीव का इसमें भी नहीं होता जी। दूसरा मैं एक और विश्वास बता देता हूँ कि किसी ने जिसने रूप धारण किया है, शरीर धारण किया, याद रखना वो शरीर कभी नष्ट नहीं होता। जब आप सपने में देखोगे तो वो शरीर आपके भाई का या माँ का या बाबा का या जिसको आपने देखा है उसे वैसा का वैसा ही देखते हो, ये है क्या जी? अगर संसार नश्वर होता तो वो संसार में कुछ आता ही नहीं, कोई सपना नहीं होता, कोई संस्कार नहीं होता, कोई मंदिर नहीं रहता। ये जंगली पशु जानवर जो हम कुछ देख रहे हैं संसार में कुछ रहता ही नहीं, ना होता जी। जब संसार होता ही नहीं जी जी तो फिर ये चीज कहाँ से आ गई, ये किसके लिए बनाई गई जी? मात्र संसार में 84 लाख योनियों में आपके ही 84 लाख में योनि आपकी पुरुष की है जी। बाकी जितनी योनियां हैं वो आपकी सेवा के लिए बनाई है उस प्रभु ने जी। जो परम ब्रह्म परमात्मा है जी, उसने अपने कारण ही इस मनुष्य को सबसे लास्ट में जन्म दिया है, पहले नहीं नबीच में दिया, सबसे लास्ट में। इसलिए यह सब जितनी उपयोग की वस्तुएं हैं सब मनुष्य कर सकता है, क्योंकि मनुष्य 3 प्रकार का आहार करता है जी। सभी 3 प्रकार के आहार तो है ही, पर मनुष्य तो तीनों का कर लेता है। देखो आहारी, आशाहारी और मांसाहारी। जो मांसाहारी है वो मांस ही खा करके रहते हैं, जो आहारी है वो अपना आहार ही करके रहते हैं। जैसे हमारे वृक्ष ये पानी जब मिलेगा तो ये आशाहारी हैं, और मनुष्य सर्वाहारी है, सबको खा लेता है। मनुष्य पैसे कोई किसी का हिस्सा नहीं बचता, मांस भी खा लेता है, हवा को भी खाए, पशु पेड़ पशुओं का सबका इंतजाम वही कर लेता है, खा भी लेता है। तो इसलिए मन सबसे श्रेष्ठ और लास्ट योनी मानी गई है। तो महाराज जी जब सब संसार आप कह रहे नश्वर नहीं है, तो बड़े बड़े संत हैं, महात्मा हैं, जैसे कहते हैं ये सब सांसारिक मोह माया है, इन सब सांसारिक मोह माया में क्यों फंस रहे हो और अपने भक्ति और भजन में लगे रहो? देखो भक्ति फंसना नहीं है जी भाई, फंसना तो इसलिए नहीं है कि इस पृथ्वी पर जब हम आए हैं जी तो खाने के लिए आए हैं, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए आए हैं। अब हमारी वो है कि हम कौन सा भोजन करें, किस प्रकार का जल पिए, कैसे स्थान में रहें, कहाँ हमारा तप हो,
कहां हमारे ज्ञान का प्रसारण हो, ये हमें देखना पड़ता है। बाकी कुछ नहीं, रहना संसार में ही, क्या संसार से बाहर कोई न हुआ है न होगा जी। नहीं लेकिन संत तब अक्सर कहते ना कि ये मोह माया है, इस मोह माया में क्यों फंस रहे हो? चलो, संत कोई मोह माया में नहीं फंसता है, संत तो हमेशा मोह माया नहीं, में नहीं, भक्तों को कहते हैं। हाँ, भक्त फंस जाते हैं बेचारे, तो भक्त तो फंसेंगे भाई, भक्त ना फंसेंगे मोह माया में तो उनका काम नहीं चलेगा जी। भाई उन्हें पदोन्नति भी करानी है, नौकरी भी करनी है, खेती करनी है, कोई न कोई व्यापार नहीं करेगा, कोई कोई उद्यम नहीं करेगा तो अपने बच्चों को अपनी जीविका कैसे चलाएगा और कहाँ से चलाएगा जी। तो इसलिए जीविका के लिए हमें अपना जो कुछ करना है हमें करना है, डॉक्टर बनना है तो बनना है, या जो भी हमें पद ग्रहण करना है या जिस योग्य हैं जी, या हम खेती करें या खेत की मजदूरी करें, बहरहाल हमें अपना पेट अवश्य भरना है। क्यों? कि स्त्री और पुरुष संसार में दो ही प्रकार के, वैसे तो ढाई लिंग बताई दिए पर दो ही हैं जी। भाई ढाई में आधा, आधे में हिजड़े आते हैं जी, आधे में हिजड़े आते हैं, दो में स्त्री पुरुष दो ही आते हैं जी। तो इसलिए स्त्री बगैर पुरुष और पुरुष बगैर स्त्री जी, अगर ऐसा ना होगा तो संसार तो अब है ही नहीं, और फिर वो परमात्मा का कैसे आभास होगा? जब हम जीवित हैं, हमने शरीर धारण किया तो हमें परमात्मा का आभास हो रहा है, उसका ज्ञान हो रहा है, दूसरों को बता रहे हैं कि संसार में हमें रहना है तो किसके वोट में जाना है, लेकिन पहले ही वोट में मन जाओ, अरे 75 साल के बाद संन्यास आता है उसमें चले जाओ भगवान के लिए, तो भगवान क्या, तो दरवाजा खुला हुआ 7 साल तो के चले जाओ। आप कैसे निकले, आपके मन में क्या भाव आ गया? हाँ, मेरी बात तो यह कि मैंने 40 साल सरकारी नौकरी की जी, और वो भी अध्यापक लाइन की, गुरु पद रहा मेरे पास जी, समझे। अब मेरे मन में जब मैं इससे विरक्त हो गया, 75 साल से भी ऊपर हो गया, तो मैंने सोचा संसार तो को सार्थक करने के लिए ही मुझे अपना काम करना पड़ा, संसार को सार्थक करने के लिए। संसार अब तक तो हमारे बल पे था, नौकरी करी हमने, बच्चे पाले, ये किया वो किया, सारे कर्म किए गृहस्थ के, अब उससे विरक्त हो गए तो कुछ संसार में और भी हमें कुछ करना है, उस परमात्मा को भी तो देखना, उसका भी तो आराधना करनी है कि हम जिसने हमें जन्म दिया, सारे कर्म कराए और आज हम उसको कैसे भूल जाए। हमने सोचा छोड़ो, घर बारे में तो फजीते फिर भी देंगे। अच्छा, फजीते में भाई, घर में तो फजीता, एक जगह कह रहे हो फजीता बढ़ रहा है, एक जगह कह रहे हो फजीता बढ़ रहा है से, और दूसरी जगह कह रहे हो संसार मोह माया नहीं है। आप ना, संसार मोह माया का तो है ही। हाँ, तो फजीता फिर क्यों कह रहे हैं? फजीता ये कह रहा हूँ, मैं इसमें क्यों फंसू जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। पहले क्यों फंस गए? क्या पहले क्यों फंस गए, शादी ब्याह फिर? अरे ये क्या मतलब है? तो हमारी चार वो है अवस्थाएं मनुष्य की, अच्छा, बाल्यावस्था, जवानी और वृद्धा जी, है? और फिर संन्यास आता है। अच्छा, ये तो हमें इनके आधार पर तो हमें अपना काम करना जरूरी है भाई। अच्छा, वो चारों आश्रम, भाई चारों आश्रम तक हम पहुंच जाते हैं तो चौथा आश्रम में तो पहुंचना हमारा जरूरी है। अच्छा, जो मनुष्य चौथे आश्रम में प्रवेश नहीं करते या भगवान की ओर नहीं बढ़ते वो अधम कहलाते हैं। अधम, अधम जी, न वो स्त्री पुरुष, न मर्द, न पशु, न पक्षी, वो किसी में नहीं रहती है, अधम कहलाते हैं। अधम कहला दे, जो वो जानता ही नहीं है कुछ जी। तो संसार में ये हमारा चौथा आश्रम जी, ये संन्यास आश्रम है जी, और वास्तव में संन्यास सबसे श्रेष्ठ संन्यास ये साधु आश्रम नहीं है जी। साधु आश्रम तो 7 साल का भी कर सकता है, 15 साल, 20 साल, 60 साल का भी है जी। पर संन्यास आश्रम तो 75 के बाद ही होता है, 75 के बाद, 75 से पहले होता ही नहीं जी। तो इसलिए संन्यासी हमें तो बनना था, और 75 का अब तो 94 साल कह गए, मिल मिला के कुल मिला के 12-13-14 साल से हम संत बन गए जी। हाँ, और बड़े सुखी हैं, हमसे पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। हाँ, कि महाराज जी, हाँ एक बात तो था, आप बचपन में थे जब बढ़िया थे, फिर आपने अध्यापन किया बढ़िया रहे, फिर भी कुछ थोड़े दिन आप उसमें रहे तो फिर भी आपको, अब बताइए आपको इस वेश में क्या, हमने कहा इससे बड़ा बढ़िया कोई वेश है ही नहीं। अच्छा, अध्यापक में और, से और बचपन से और सबसे बढ़िया वेश ये है। हाँ, भाई हमने संसार में सब कुछ देखा है जी,
संसार में हमने ऐसी कोई चीज नहीं देखी जो हमने नहीं देखी या मनुष्य ने नहीं देखी जी। और देखिए मैंने तो संन्यास ग्रहण इसलिए किया कि संसार में संसार को नहीं घूम सकते तो हिंदुस्तान को तो घूम सकते हैं हम। अच्छा, तीर्थ स्थानों पर और सब जगह तीर्थ स्थान है हमारे, जितने पर हमारे महान पुरुष हमारे संत विरक्त जो भी हुए कम से कम उनके दर्शन तो हम करें। फॉर एग्जाम्पल गंगा सागर जी, कपिल मुनि का आश्रम है, कपिल मुनि से बढ़िया संत कोई आज तक हुआ नहीं, क्योंकि उनका गंगा सागर। और एक बार गंगा सागर नहाने का फल ये है कि जितने बार आप तीर्थ अनेक बार किए सबसे बढ़कर एक बार गंगा सागर का फल है। फल है हाँ। तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे संत हुए जी कि जिनका एक बार ही दर्शन करने से, हालांकि वो नहीं है उनके स्थान के दर्शन करें, उनकी जगह का स्थान के दर्शन करते हैं, रास्ता में जाते हैं तब भी हमें तो कितने आनंद की बात है कि हम भूल जाते हैं संसार नश्वर कभी नहीं है, संसार हमेशा सार्थक रहा है। महाराज जी, एक जो सवाल आप कह रहे थे कि जीवन को सार्थक करेंगे, लोगों को सार्थक करेंगे, हाँ। तो वो कैसे सार्थक करेंगे? देखो सार्थक क्या है, पहले अपने को जो आदमी सार्थक बना लेता है जी, वो दूसरे के दुख को भी समझता उसको सार्थक बनाने की कोशिश करता है जी। अरे मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, इस थोड़े से जीवन में संन्यास के में मैंने बहुत कुछ करके दिखाया है। अगर कोई मेरी हिस्ट्री पूछे तो शायद कोई संत कर नहीं पाया जो मैंने कर दिया अब तक। क्या क्या किया महाराज? देखिए नेपाल गया मैं जी, जनकपुरी में पहुंचा जी, और जनकपुरी में पहले ही गेट पर मैं पहुंचा तो एक आया कि ओ बाबा टिकट लो। मैंने क्या ही टिकट जी? कि बाबा टिकट बढ़ती है, मैं पूछ गया किसका कौन मांग रहा है टिकट जी, क्या किसने भेजा है जी। अब जा करके वो पहुंचा संत के पास, टिकट लग रही भाई के महाराज ऐसा से बात, अबे को उल्लू के पट्टे साले मुझे मरवाएगा जी। संतों से साले जानता है बहन के रोड़े सबसे पैसा मांगता है। अच्छा, साले जाले बाकेला और प्रणाम करना पहले साले पैर छूना जी, आयो से पैसे महाराज आपको बुला रहे, चलो जी जा प्रणाम करा। हाँ भाई क्या जी, तुमने टिकट लगा रखी है महाराज? तो आप लोगों को थोड़ी हमारी तो पब्लिक के लिए है जी। कारण ये है कि राम लक्ष्मण जहाँ राम और सीता का मंडप है जी, उसका अब भी पूजन होता है जी, रोज होता है एक दिन नहीं जी, अब भी होता। और वहाँ गेट पर वापस जाएंगे तो वहाँ पे 5 रुपए टिकट लगी होगी जी, उस गेट में होके जाओगे तो जी भाई गेट तो एक ही है। तो नहीं, ये कौन सा महान काम हो गया, ये आपने टिकट नहीं दिया तो महान काम हो गया? सुना ही वे एक सुनो महान ही तो बताऊंगा हाँ। काम में हम चले गए, हमने भाई नहांगे हम भाई अपने यहाँ से गए थे उत्तर प्रदेश से जी, बिहार से जी, बिहार से पहुंचे थे तो क्या बाबा वहाँ नहाओ पुलिस चौकी लगी हुई है, पुलिस चौकी के पास न लगा हुआ मैं ठीक है। अब वहाँ पहुंचे तो दो युवती कुआरी लड़कियाँ 17-18 साल की बहुत सुंदर लड़कियाँ, और जाकर एक पहुंची कि बाबा क्या हम ना मांगे तुम्हें। अच्छा, वो कुआरी लड़कियाँ बोली कि बाबा हम आपको स्नान कराएंगे, देखो हम साबुन भी है हमारे पास और देखो आपके वस्त्र धोएंगे और ये करेंगे। मेरे ओ बेटी सुनो, मेरे शरीर से हाथ भी मत लगा देना, तुम्हें नल भी नहीं छूने दूंगा, मैं अपने आप पानी लूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा चला जाऊंगा। अगर बाबा हमारे यहाँ के तो संत ऐसा करते जी, हमारे यहाँ के तो संत खूब नहाते हैं, साबुन से हम आपको मलमल के नहाते हैं, उनके कपड़े धोती हैं। मैं संतों के कहा मैं अब संतों को ही देखूंगा सालों को। अच्छा हाँ, मैं अब झट वो संत मिल गए, मैं नहाया तो उन लड़कियों से तो भगा दिया। ये कहाँ की बात है बाबा? जनकपुर की, जनकपुरी की सीता जी के पीहर की। अच्छा, राम की ससुराल की बात है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ हम ही वहाँ संतो कितने ऐसे हो जाए उस पर नहाए लड़कियों पर नहाते हैं महाराज हमारे यहाँ कुछ नहीं, डंडा पड़ेगा चूतरों पर साले तुम्हारे संन्यास के, तुम्हारे ऐसे कैसे करते कुआरी कन्याओं पर भेज। और फिर युवा स्त्रियाँ लड़कियाँ तो युवा हैं आज के जमाने में भाई, क्या तुम्हारे तुम्हें लहर शर्म नहीं लगती उनसे छुआने में, हाथ पर कपड़ा धुलाने में तुम्हें लहर शर्म नहीं आती जी? तुम कहा इंडिया से बाहर तो हो, तो चलो नेपाल तो हो तो हिंदू जी, तुम हिंदू धर्म को ही भूल गए जी, सनातन धर्म को, चलो आर्य धर्म भूल गए तो सनातन धर्म तो मत भूलो भाई जी। बोले कि महाराज तो अब हम ऐसा नहीं मिले करोगे तो डंडा पड़ेगा चूतड़ों पर।
याद रखना। अच्छा, तो फिर वहाँ मना हो गया फिर? नहीं, मना कर, संतों ने मना कर दिया। महाराज पुजारी बोले कि महाराज हम ना कहूँ ऐसा करवाएंगे, कभी नहीं करेंगे ना, हम नहीं करेंगे। मैं त्याग राज्य करो तो बता देना। अच्छा, करो तो वो बता देंगे। पार्लियामेंट से पूरा फुल लेटर आएगा तुम्हारे पास। अच्छा, तुम्हारे कुकर्म का लेटर पार्लियामेंट से भेजा जाएगा, दिल्ली से भेजा जाएगा। जी, तो आप क्या पार्लियामेंट में जो है लिखित कार्रवाई कर रहे थे क्या? नहीं, आपके समय मेरे लड़के के साले चीफ कोर्ट के अफसर हैं। अच्छा, दिल्ली पार्लियामेंट। तो आपने कह दिया मतलब पार्लियामेंट से जो है? हाँ, मैं पार्लियामेंट से एक्शन लिया जाएगा तुम्हारा, साले हमारे देश में और ऐसा क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? हाँ। तो डर गए, माफी मांगी? डर गए माफी का महाराज हम किस। अच्छा, दूसरे हम गया आए बिहार में। हाँ। गया देखा सुना है? गया सुना। हाँ, जी जी, जहाँ भूत पे पकड़े जाते। हाँ, भूत पे जी। हम गया, गए जी, गया थे ना, फिर हम जगन्नाथपुरी जी, गया के बाद में जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में हमारे श्री कृष्ण महाराज, बल्लाऊ और सुभद्रा, इन तीन कई मंदिर है, मंदिर है। हाँ। और इन तीनों की पूजा होती है, सब कुछ होता है जी। तो जैसे ही हम मंदिर में घुसे तो तीन सिपाही लगे हुए सरकारी, एक दो तीन, और तीसरे की बराबर पर कुठरिया बना रखी है। वसंत में तो करियाओ के कुठरिया अब नहीं रहेगी, उसमें पर्ची काट रहे हो एक बाबू जी। तो एक सिपाही बोला कि बाबा कहाँ के पर्ची कटवाले में काई बात के मंदिर में दर्शन करने की? तो मैं, शायद कानून होगा भैया, हमें मुझे खबर है कि कानून का है। घुस गया, ले भाई 10 रुपया पर्ची काट दे। क्या बाबा 10 की ना कट रही? तो कितने कटेगी? का कम से कम 100 रुपये ही कटेगी। मैं खड़ा हूँ, किसने कटा, किसके आदेश से बता जी? तू किसके आदेश से पर्ची कटवा रहा, गवर्नमेंट के से या किसी पुजारी, किसके नाम से कटवा रहा है? बुला उसे, तुरंत बुला जी। और मैंने कहा, होगा कुत्ते हो, भगो साले यहाँ से बाहर। सिपाही से मैंने कहा, भगा इनसे, भगो, कुत्तों की क्या जरूरत है यहाँ? ये मंदिर सरकारी थोड़ा ही है साले, ये तो पब्लिक का मंदिर है, हमें तो कोई भी दर्शन करे जाएगा और आता रहेगा। तुम कौन जिम्मेवार? तुम इस बात के क्यों नहीं ठगवा रहे हो पब्लिक को? 100-100 रुपया 200-200 रुपया टिकट कटवा रहे हो जी। अब महाराज सिपाही बेर से कांपन लगे, महाराज धर्म की बात बता रहे, ऐसे कांपे न करके धर्म की बात बताने पे। हाँ, वैसे कर्म की बात पे ना समझे, धर्म की बात समझ गए, वो समझ गए मैंने कि ऐसा नहीं होगा जी। 1.5 पैसा का तो भात खिलाएगा और 100 रुपया पहले ले रहा दर्शन हुए ना रे जी। अरे दर्शन करेगा तो चढ़ाओ अपने आप चढ़ावे, तू पहले 100 रुपया मांग रहे हो जी। आप खड़े रहिए, मैं अभी बात करी हूँ, उनने बात करी वहाँ से पुजारी से या जिससे करी हो। सो बोलो कि भैया हम तुम आपस में चलते लो। अच्छा, मैं नहीं आ रहा हूँ जी, स्पष्ट मना कर दिया सुना कि मैं ना आ रहा हूँ, तुम आपस में चलते लो। कैसे हुआ बात, मैं नहीं आ रहा हूँ, वो समझ गया कि घर पर छोटा पड़ेगा। और हम तो सन्यासी हैं, जहाँ जहाँ आप गए हो वहाँ इतिहास रच के आए हो। जहाँ जहाँ आप गए हो वहाँ इतिहास रच के आए हो। इतिहास रच के आया हूँ मैं, कुछ ना कुछ नया करके ना करना तो मेरा अब भी है। जहाँ भी जाता हूँ कुछ ना कुछ जरूर करता हूँ। हाँ। जहाँ गलत देखता हूँ उसको सही कराता हूँ। तो बाबा हूँ सन्यासी हूँ, गाली काहे देते हो? गाली नहीं, देखो मास्टर हैं हम तो, मास्टर हो तो हमारा सुन लो। हाँ, अब कोई बाना एक आध बात तो निकल जाते हैं ऐसी। तो भाई देखो, संसार है जी, इस संसार में प्रेम से भी रहा जा रहा है, और देखो लड़ाई दंगे भी कर रहे हैं हम लोग जी, आपस में किनारे, गलत काम भी हो रहे हैं, सही भी हो रहे हैं, सारे कर्म है रे जी। अगर ये कर्म ऐसे गलत ना होंगे तो सही कौन मानेगा जी? भाई गलत कर्म ही सही को बता रहे हैं कि ये सही है ये गलत है जी। और सही से ही मालूम पड़ता है कि ये गलत है जी। तो सही और गलत, ऊंच नीच, गरीबाई अमीराई, सब हमारे तुम्हारे द्वारा ही है, यह मनुष्य के ही द्वारा है, बाकी किसी के द्वारा नहीं जी। एक सज्जन आज अरबपति बने हुए हैं और खरबपति बने हुए, और एक इनको बेचारे को दो रोटी उनाए जी, जबकि वो दिंदा 24 घंटा काम कर रहे हो, सर रोटी पेट भर के नहीं है। और जो माते घंटा 2 घंटा 4 घंटा करो, उनके करोड़ों की आमदनी हो रही है। तो ये एक तो प्रभु की वो है भाई, जिसने जैसा कर्म किया है उसका फल उसे मिलना है जी। अब हम हैं सन्यासी हैं, अब हम अपने सन्यास को छोड़ दें, तुम्हारे गृहस्थ कार्यों में लग जाएं, तो हमको कौन कहेगा? अब हमें मिलेगा क्या जी? मिलेगा तो कुछ नहीं, नहीं। तो जो जिसको करेगा उसमें वो पूर्ण आस्था रखे,
पूर्ण निष्ठा रखे तो निश्चय ही कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ सफलता न मिले। अच्छा, जैसे अगर मान लीजिए हम गृहस्थ में हैं, हम काम कर रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो हम अपने काम में पूर्ण रहे हैं, जो नौकरी कर रहा है वो अपने काम में पूर्ण रहे, जो संन्यास है वो अपने काम में पूर्ण रहे, जो किसान है वो किसानी में पूर्ण रहे, तो उसे मतलब हर जगह सफलता मिलेगी, आपका कहने का है? मेरा कार्य तो एक है, जो कार्य आपको शुद्ध करना है जी। आप जिस कार्य को निष्ठा से करेंगे जी, निष्ठा जानते हो? हाँ। पूर्ण विश्वास से, पूर्ण विश्वास तब होता निश्चय होता है जी। अगर आपकी निष्ठा ही नहीं है, अरे है गो तो है गो, ना भयो तो ना भयो जी, क्या ऐसे नहीं होता है भाई, हमें तो लगना है, निष्ठा माने लगना है उसमें, और पूरी जब निष्ठा ही जब होगी, जब हम उसमें लगे रहेंगे तो निष्ठा में, और जो वहाँ अलग है गए तो फिर कुछ नहीं है जी। जी भाई, जैसे ठाकुर जी में जो निष्ठा लगा लिए तो ठाकुर जी के दर्शन होने हैं, निश्चित दर्शन तो रोज होते हैं, राधा रानी, मैं कहता हूँ रोज दर्शन होते हैं, वो रोज एक दिन खाली ना जा रहा जो उनका काम ना करे। अच्छा, एक दिन खाली आपको नहीं भी दर्शन होते रोज? मुझे तो खूब दर्शन होते हैं, और ठाकुर जी का क्या, मेरे तो हनुमान जी बाबा ही ऐसे, भोले बाबा ही ऐसे। अच्छा, ये कौन सा जुगाड़ है कि आपको दर्शन होते हैं? काहे के, आप बता रहे हैं उनकी आराधना है, जब हमने अपने देखा कि थाली में तो भगवान को लग गए वहाँ आराधना में, पूजन में। देखिए 24 घंटा भगवान के यहाँ कोई दिन रात नहीं है जी, उनके यहाँ घंटी घड़ियाल कुछ नहीं है जी, उनके यहाँ तो हम जो कुछ भी करने लगे उनकी उसमें सेवा में जी, कोई चीज दर्शन मतलब दान करने लगे, या हम उनके गीत गाने लगे, या उनके हमारे बहुत से ऐसे भक्त हुए जो गा रहे हैं और नाच भी रहे हैं संग ही दोनों काम में, तो इनके लिए फिक्स कोई टाइम नहीं है कि 8 बजे ही करना है या 9 बजे ही करना है या 7, ये कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान के यहाँ तो 24 घंटा एक से कल तो घंटे के हरियाल नहीं है वो जी, जी। तो इसलिए मैं तो सबसे ये कहूँगा कि भैया भगवान की ओर बढ़ना तो प्रत्येक का जरूरी है। उम्र कितनी है महाराज जी आपकी? मेरी अब 94 साल चल रही है माँ के पेट से, तो 94 साल जी हाँ, 94 से 25 मार्च के बाद तो फिर आपको कोरोना से बच के रहना पड़ेगा। कैसे? कोरोना की मार वो कहाँ, कोरोना हमारे पास आ सकता है? क्यों नहीं आएगा, हम लिख के देंगे। अरे पूरा देश मर रहा है, जैसे कोई ना मर, कुटिया ना मर रही कोरोना से, कुटिया ना मरी, एक कुटिया मर जाती कोरोना से तो मान लेते कुटिया ना मरी। अरे महाराज जी क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे महाराज जी कुटिया को देखो, कोरोना होगा, जिसे कोरोना हो जाएगा वो बच नहीं सकता जी, बचाने की कोई मेडिसिन नहीं है। तो मान तो रहे हो है ना कोरोना, और फिर कह रहे हो हमें तो कोई मतलब भी ना पड़ो, तो फिर क्यों कह रहे हो कि है भी नहीं, नहीं भी है दो? हमारे तो कहीं कोरोना आज तक देखा नहीं। अच्छा, देखा नहीं, इंडिया भी घूम आए बहुत 10-5 जिले तो हम अब भी घूम लेते हैं, और कोरोना ने नहीं कुछ किया? हमें तो कोरोना को कहीं आभास भावना है, और डर नहीं लगता ना? हम डरते जानते हैं, डर क्या चीज है दुनिया में, डरते नहीं कभी ना, हमें डर किसी का नहीं है, अपने जीवन का डर ही नहीं है। अच्छा। हम समाप्त तो हो जाओ, यहीं बैठे बैठे समाप्त तो हो जाओ, कोई डर नहीं, हमें क्या करना है जीवन का? अब हम 94 साल के, हमें कोई आंखों से चश्मा नहीं लगाया आज तक जी, खाने पीने में कोई परेशानी, शरीर देखो मेरा, आप देखिए आपसे बढ़िया होगा। अच्छा, देखिए शरीर, हाँ आपका तो बढ़िया है ये, देखिए। अच्छा, तो योगा करते क्या पेट अंदर? अरे आप समझिए मैं क्या करता हूँ, यही तो है, यही है मतलब भक्ति, ये भक्ति क्या है, यही है, देखो शरीर में कोई फर्क तो नहीं है। हाँ हाँ, ये पेट तो बड़ा मस्त लग रहा है आपका, बढ़िया, और शरीर और दिखाऊं मैं आपको? हाँ देखिए, अरे वाह, अब हम लोगों की तो ऐसे वो शरीर देखिए, 94 साल में तो हमारे तो और देखिए वैसे हो जाएगा, देखिए जी, कहाँ देखोगे मुझे? नहीं 94 साल में तो हम लोग की तो ऐसी तैसी हो जाएगी जी, तो जी। ये क्या है संसार में, इन साधनाओं के आधार पर आप रहिए, डरिए नहीं जी, कोई रोग संसार में परमात्मा ने उसके कर्म के आधार पर दिया है जी, जी, जी। हर एक को नहीं दिया जी, जी। जिसने जैसा कर्म किया उसको मिल रहा है, वैसा भोग भी मिल रहा है, मांस वाले को मांस मिल रहा है जी। जैसा खाने वाले उसको हर एक को भोग मिल रहा है, शराबी शराब पी रहा है जी। आप क्यों कर रहे हैं इस काम को जी। तो सफाई सुथराई संसार में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। कुल मिला के, लेकिन कुल मिला के महाराज जी गाली बहुत देते हैं। गाली नहीं दे रहे हम, गाली तो उसको देते हैं जो गलत अफवाह वालों को हम गाली देते हैं। अच्छा, ये आशीर्वाद है?
देखिए अब एक बात बताओ, हम कोई धड़ाधड़ मारते जा रहे हो, ये आशीर्वाद है किसे? अरे बड़ा धड़ाधड़ा बीमारी जा रहे थे। अरे आप किसान, मैं तो ये कह रहा हूँ कि संसार में जो हमारे नियम है जी, प्रथम उनको पालन। देखो भगवान, भगवान भक्ति भारत की सबसे पहली शक्ति है जी। अब भगवान की ओर मुड़ो तो सही जी। आप एक पैर कदम उड़ेंगे तो परमात्मा 7 कदम बढ़ेगा आपकी तरफ जी। ये भगवान श्री कृष्ण का लेख है। आप एक कदम बढ़ोगे तो परमात्मा 7 कदम बढ़ेगा, 7 कदम आपकी ओर बढ़ेगा जी। और आप एक नहीं बढ़ेंगे तो वो क्यों बढ़ेगा जी, जी। आप अपने तन को शुद्ध रखोगे तो दूसरे के को बता सकते हो, और आप स्वयं तो है ना, दूसरे मान लेंगे तुम्हारी बात जी, जी। तो पहले अपने को श्रेष्ठ बनाना है जी, जी। जब आप अपने स्वयं श्रेष्ठ बन जाओगे तो तुम दूसरों को बनाना बना सकते हो और बनाओगे जी। पहले अपने को श्रेष्ठ बनाओ, पहले अपने को बना लो जी, जी। मजबूत बनाओ, मजबूत बनाए अपने को, मजबूत बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, समझे? तब तब दूसरों से कहना कि भैया तू कैसे तू बन जी, जी। अब हम तो स्वयं तो है नहीं जी। और दूसरे को आदेश दे रहे जी। अब हम 94 साल की उम्र आपने देख ली, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। अब कोई मार्कशीट तो है नहीं, देख तो ली, बता दिया हमने, मान लिया। हाँ, और ना मार्कशीट तो अब हमारे माँ कहाँ से देगी, हमारे बाबा कहाँ से देंगे जी। 25 मार्च 1928 को जन्म है हमारा, 1988 देश से आजाद से पहले से। हाँ, अरे 20 साल पहले, 28 साल पहले पट्ठाएक हुआ बेले जब 1947 में। तो अच्छा, और तो आजादी की बात आपको याद होगी, खूब सगरी लड़ाई पढ़ाई में हम तो गए। अरे नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ गए थे, अंग्रेजों के खिलाफ भी जाते थे, नारे देते थे कांग्रेस के जमाने में। कांग्रेसी हो आप? हाँ, नहीं वर्तमान में तो कांग्रेसी तो थी जी, जी। और पार्टी कौन थी जी, जी, जी। कांग्रेस को झंडा हो जी, जी। दोस्तों महाराज जी की सारी बातों का निष्कर्ष सिर्फ ये आ रहा है कि आप जो है अपने जीवन में श्रेष्ठ करिए, जिस भी क्षेत्र में है, चाहे आप सन्यासी हैं, किसान हैं, या अन्य किसी सरकारी जॉब में भी हैं, तो आप श्रेष्ठ करिए। जिस भी क्षेत्र में आप हैं, चाहे सन्यासी हैं, किसान हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हर जगह आप श्रेष्ठ करिए। यानी कर्म के वो प्रधान माना है, और महाराज जी ने ये बताया है कि उनका जीवन धन है क्योंकि भक्ति के मार्ग में है। और कई जीवन जैसे बताया कि बाल्यावस्था, युवावस्था और अब सन्यासी की अवस्था है, तो बोल रहे हैं कि सबसे अच्छा जो अवस्था है वो ये है। तो लगातार आप मेरे से जुड़े रहिए, मैं आप सबको ऐसे ही महान संतों के दर्शन आपको कराता रहूं।